हेलो डी स्टूडेंट्स, एक फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय जाना है, लखनऊ विश्वविद्यालय का दिमाग में आपके है, दिल में है कि हाँ लखनऊ में मुझे एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे जो पहला स्टेप है, सबसे पहला जो पड़ाव है विश्वविद्यालय पहुँचने का, वो है एडमिशन फॉर्म। अगर एडमिशन फॉर्म भर दिए हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने समय से अपना जो पहला स्टेप है उसे कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी तक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि एक मुहूर्त देखूंगा और उसके बाद मैं फॉर्म फिल करूंगा, तो ना वो मुहूर्त आपकी आएगी और ना ही विश्वविद्यालय आप आ पाओगे। ठीक, तो उस चीज़ को ध्यान में रखो, दिमाग में रखो कि आपके एडमिशन फॉर्म की सर जो लास्ट डेट है वो कब तक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट तक तुम पहुँच चुके हो। ठीक, जब सो के उठोगे एडमिशन फॉर्म निकल गया होगा। यहाँ पर देखिए 31 मई 2024। ठीक, आज आपकी हो गई 30 तारीख, मैं भी देख पा रहा हूँ 30 मई आज आपकी तारीख है और 31 मई आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक, तो अभी तक फॉर्म नहीं फिल की हो, फॉर्म फिल कर लो, मुहूर्त का इंतजार मत करो। ठीक, चलिए सब फॉर्म मैं फिल कर लिया। अब बताता हूँ सर कि आपके एग्जाम की डेट कब है और क्या फॉर्म की डेट आगे बढ़ेगी, ये कुछ महत्वपूर्ण आपके मुद्दे हैं। बता दें आप लोग को, विश्वविद्यालय ने क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 जून से हम अपना एंट्रेंस एग्जाम UG का कराएंगे। उसी के साथ इन्होंने लिखा है 31 मई जो हमारी है सर, ये हमारे क्या है कि एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट है। इन्होंने दो पॉइंट मेंशन किए, दोनों पॉइंट पहले रिलीज कर दिए। ठीक, अभी इन दोनों डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई, कोई डेट आगे बढ़ी नहीं है। ठीक, अब हर साल विश्वविद्यालय का ये रूल रहता है, हर साल 2 से 3 सालों का अनुभव यहाँ बताता है हम लोग का, कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 31 मई को ये क्लियर हो जाएगा, यानी कल ये क्लियर हो जाएगा कि आपके एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट कितने दिनों के लिए बढ़ाई जाती है। अब जितने दिनों के लिए एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी, उसी के हिसाब से जो एग्जाम डेट देख रहे हो ना, ये भी आगे चली जाएगी, ये भी आगे अपना जो ये सीट है छोड़ के आगे भाग जाएगी, समझ रहे हो। तो ये आप मान चलो कि कम से कम 10 से 15 दिन का समय चाहिए होता है विश्वविद्यालय को फॉर्म भरने के बाद अपनी पूरी एडमिशन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए। उसी बीच में वो टाइम टेबल निकालता है, उसी बीच में वो एडमिट कार्ड निकालेगा, उसी बीच में सेंटर वगैरह डिसाइड करेगा और आप लोग का एग्जाम कराता है। तो पूरा प्रोसेस में कम से कम 10 से 15 दिन टाइम चाहिए विश्वविद्यालय को। ठीक, 31 मई लास्ट डेट, फॉर्म नहीं फिल की हो आज कल में फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर लास्ट डेट आ गई है, फॉर्म मेरा सबमिट नहीं हो रहा है, मेरा सिटी नहीं खुल रहा है, मेरा सिटी दिखा नहीं रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, बहुत फॉर्म क्लोज दिखा रहा है, ये सब क्या है। तो ये सब आपके जो सही समय का इंतजार कर रहे थे ना, उसका ये पूरा आपके सर पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो पूरी उसकी जिम्मेदार आप खुद हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि एडमिशन फॉर्म जब लास्ट में फिल करोगे तो समस्याएँ छोटी मोटी आती रहती हैं, इसलिए फॉर्म पहले फिल कर लेना चाहिए आपको, चाहे वो कोई किसी भी एग्ज़ाम किसी भी एडमिशन का फॉर्म हो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सही समय का इंतजार कर रहे थे लेकिन अब सही समय आ चुका है, फॉर्म फिल कर लो, कोई दिक्कत आती है परेशान ना हो। विश्वविद्यालय जल्दी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आप लोगों के सामने कल 31 मई को आ जाएगा। आपका जो एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट है ये कल फाइनल हो जाएगी, कितने दिनों के लिए ये हो सकता है 5 जून तक ये जा सकती है। ठीक, या फिर ये आपकी चली जाएगी 10 जून तक एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ा सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक बार भी एडमिशन फॉर्म की डेट बढ़ी नहीं है और विश्वविद्यालय हर साल 2 से 3 बार एडमिशन फॉर्म की डेट बढ़ाता है, तो कम से कम एक बार बढ़ाना जरूरी है क्योंकि बहुत बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अगर नहीं बढ़ेगी तो हम लोग मेल भी करेंगे विश्वविद्यालय को, अपनी बात पहुंचाएंगे और फॉर्म की डेट निश्चित ही बढ़ने वाली है। तो कब अपडेट आएगी, 31 मई कल शाम तक अपडेट आ जाएगी कि फॉर्म की डेट कब तक बढ़ने वाली है। अब मान लो कि आपकी फॉर्म की डेट 10 जून गई तो आपको जो एग्जाम जाएगा सर ये 20 जून के बाद होगा। ठीक, अभी भी मान चलो ये एग्जाम आपका 20 जून के पहले होने वाला नहीं है, 20 जून के बाद ही आपका एग्जाम होगा। लगभग आपके पास 20 से 25 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है इसके लिए, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, और जो पूरा अपना शेड्यूल होगा, जो पूरी रणनीति होगी वो इन दिनों यानी 20 से 25 दिन को देख के ही आपको बनाना है। ठीक, क्योंकि पर्याप्त इतना टाइम तो आपको विश्वविद्यालय देगा ही देगा तैयारी करने के लिए। ठीक, तो ये समझ लेना कि कल आपकी 31 मई कल विश्वविद्यालय शाम तक आप लोग को नोटिस जारी करेगा, जी सर मैं एडमिशन फॉर्म की डेट बढ़ाता हूँ, इस तारीख से इस तारीख तक फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक, अब जैसे ही डेट आएगी तुरंत टारगेट बिल्कुल आपको अपडेट कर देगा सर कि डेट बढ़ चुकी है, ये एग्ज़ाम की डेट है, ये एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है, सब कुछ आपको हम एक्सपेक्टेड सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर लेना, हर अपडेट इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहेगी। और टारगेट गुरुकुल पे अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे हर अपडेट इन्फॉर्मेशन और पूरे एंट्रेंस की तैयारी इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी आपकी। ठीक, क्लियर हो गया ना सर कि 20 से 25 दिन तैयारी के लिए है। अब क्या करना है, आप लोग जैसे मुहूर्त देख रहे थे, ठीक है,
सही मुहूर्त आपकी आते आते तो फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होने लगी, इसी प्रकार से अगर तैयारी करने के लिए भी मुहूर्त ढूंढ रहे थे तो अब उसकी भी जो सही टाइम है, सही समय वो आ चुका है। अगर अब नहीं पढ़ोगे, अगर अब नहीं जगोगे, अब नहीं उठोगे तो फिर बहुत दूर हो जाओगे सिलेक्शन से। ठीक है, बोलते हैं ना कि अब ज़मीन पर बैठ के तू क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो एक समय बैठ के मुहूर्त देखते रह जाओगे तो समय चला जाएगा, आपको तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं सही समय है, जमाना उड़ान देखता है, तो अपनी उड़ान दिखाओ कि हाँ कितना ऊपर तुम उड़ सकते हो। ठीक, तो इसी बीच आप लोग के सही समय पे सही जो बैच है वो आपका आ चुका है, संघर्ष 2.0 बैच जो पहले से चल रहा था, ये बैच आपका मैराथन से हम रिप्लेस करते हैं। मतलब जो बैच चल रहा था तो चलेगा, जो बच्चे इनरोल हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अभी तक वो बैच से पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, कितना उनकी तैयारी हुई थी, कितनी बाकी थी, डज नॉट मैटर, कोई भी वहाँ पे मैटर नहीं करता। अब जो तैयारी होगी बस इसमें ईमानदारी देनी पड़ेगी, इसमें अपना 100% देना पड़ेगा। तो सही समय है संघर्ष 2.0 बैच के अंदर हम लोग टोटल 25 दिन की मैराथन क्लास शुरू कर रहे हैं। 25 दिन में पूरा MCQ प्रैक्टिस होगा विथ कॉन्सेप्ट, यानी कोई एक क्वेश्चन होगा पहले इसका बता जाए भाई कि क्वेश्चन में है क्या, और उसके चार ऑप्शन रहेंगे, साथ ही साथ हम चारों ऑप्शन पे डिस्कशन करेंगे। हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ MCQ प्रैक्टिस करते हुए चलते रहेंगे। विश्वविद्यालय कहाँ से पूछेगा, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहाँ से विश्वविद्यालय सोच सकता हो। ठीक, तो संघर्ष 2.0 मैराथन बैच जो आपका है वो आप लोग के बैच पे, बैच आपको मोबाइल ऐप पे शो कर रहा होगा। जो बच्चे इनरोल हैं बस वो इंतजार करें, जल्दी उनके पास कल टाइम टेबल जो शेड्यूल है टीचर का वो मिल जाएगा, क्योंकि ये बैच पूरा आपका लाइव होने वाला है। ठीक, लाइव क्यों होगा, क्योंकि मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि आप लोग के जो एक एक डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, और बहुत बच्चों के डाउट हैं, डाउट सेशन के थ्रू बच्चों का डाउट क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए आप लोग का लाइव बैच शुरू किया जा रहा है। और लोग बोलते हैं ना सर लाइव बोला जाता है, यहाँ पे लाइव पूरी बैच करके दिखाएंगे आपको। ठीक, पूरा शेड्यूल कोशिश करेंगे यूट्यूब पर भी पूरा शेड्यूल आपको दिखाया जाए कि कब कौन टीचर किस टाइम तक पढ़ा रहा है। ठीक, तो आप लोग अवेयर रहोगे सारी चीज़ों को, कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं जो दिखा के रखी जाए, आप सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ट्रांसपेरेंट रहती हैं, बच्चा देखे तो सही सारे क्या सिस्टम चल रहा है, कौन टीचर कब पढ़ा रहा है। ठीक है, तो सही समय है, एकदम सही टाइम पे आप लोग हो, आप लोग आराम से संघर्ष 2.0 बैच को इनरोल कर लो। बैच को इनरोल करने के लिए यहाँ पे कूपन कोड एग्जाम 10 भी दिया गया है, जिससे कि आप लोग अगर सोच रहे हो कुछ पैसे फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो एग्जाम 10 कूपन कोड यूज़ करो, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, कोर्स में चुपचाप इनरोल कर लो। ठीक, कल हो सकता है शाम तक भी हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दें कि बैच के अंदर कैसे क्या चीज़ चलने वाली है, कैसे आप चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, मोबाइल ऐप पे संघर्ष बैच है, BA BCOM BSc LLB BA LLB BBA BCA सबका कोर्स इनरोल कर लो। कल 31 मई है, फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म नहीं फिल की हो फॉर्म फिल कर लो। अगर फॉर्म की डेट बढ़नी होगी तो कल शाम तक पेपर की कटिंग या फिर आप लोग की नोटिस विश्वविद्यालय के थ्रू आ जाएगी, हम आपको अपडेट कर देंगे। एग्जाम जो होगा 20 जून के बाद ही होगा, ये भी एश्योरेंस अपने पास रखो। ठीक, तो कोई से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, जैसा प्यार सपोर्ट इतना टारगेट बिल्कुल देने के लिए आप लोग को तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप लोग का। वीडियो का पसंद आए लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और जो भी आपके जूनियर है सीनियर है जो विश्वविद्यालय आना चाहते हैं उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करिए। ठीक, थैंक यू सो मच। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, फॉर्म नहीं फिल किया फॉर्म फिल कर लो। ठीक, जैसे ही कल कोई अपडेट आएगी आपको हम बता देंगे। थैंक यू।